Hello students! बेटा देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन पहला होता है आपका लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन टॉप मार्जिन बेटा ये होता है आपका इस इस पे आप जिसको भी सेंड जिसको भी सेंड कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन उसकी डिटेल्स आप टॉप मार्जिन पे लिखते हो आपका जो लेफ्ट और राइट मार्जिन होता है इसमें आप ओवरऑल लेटर की बॉडी लिखते हो मींस आपको क्या बात करनी है आपका एंटायर चीज़ किस बारे में यू राइट इट ओवर हीयर एंड द बॉटम मार्जिन इज़ फॉर ये आपका आपके लिए होता है मीन्स आप अपने बारे में अपना नाम अपना फ़ोन नंबर अपना ई मेल एड्रेस या आप जिस प्लेस पर रहते हो आपकी डेस्टिनेशन उसका लिखते हो आप अपने बारे में चीज़ें बेटा कॉलम कभी कभी हमें अपने सारे टेक्स्ट को एक मल्टीपल कॉलम्स में लिखना पड़ता है फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर कंसीडर कर सकते हो जैसे कि बेटा अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इंसिडेंट या कोई भी एक्सीडेंट इज़ टेकिंग प्लेस मीन्स समझ लो कोई भी एक्सीडेंट हुआ आपका उत्तर प्रदेश में आपका कोई भी इंसिडेंट हुआ ठीक है तो उस इंसिडेंट की जो फोटो है वो आपके मेन एरिया में मीन्स इन योर सेंटर होगी बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ है जिसके भी अबाउट है और कहाँ पे हुआ है क्यों हुआ है किस रीज़न के बिहाफ पे हुआ है तो आप सारी चीज़ों को एक कॉलम वाइज इम्प्लीमेंट करते हो तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ कॉलम बेटे समटाइम्स जो हम लोगों का मार्जिन होता है ना वो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने इतना इतना एरिया कवर कर लिया अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसी में सारा अपना टेक्स्ट है जो हम इधर रिटर्न करेंगे हमने जो ये इतनी स्पेस जो हमने लेफ़्ट करी है ये हमारे बाइंडिंग पर्पस के लिए काम आ सकती है जैसे कि हमारे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्लास ट्वेल्थ का प्रोजेक्ट तो वो लोग यहाँ पे अपने बाइंडिंग के पिन सेंटर करवा सकते हैं इससे उनका प्रोजेक्ट भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा एंड दे आर एबल टू रीड ईच एंड एवरी टेक्स्ट ईजीली बेटा वर्ड रैपिंग क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपका डिस्प्ले है ओके okay? आपने यहाँ पे लिखा लर्नर बी ज्ञान इट डील्स विथ आई टी सो इट डील्स विथ आई टी तो आपका जो भी कर्सर है वो ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा यू डोंट नीड टू प्रेस द एंटर की ऑल द टाइम ओके नो नीड ऑफ दिस आपका कर्सर डायरेक्टली आपको टू तो द डिज़ायर्ड लोकेशन ले जाएगा ओके बेटा एंड इंडेंटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आई टी इंडेंटेशन जो है वो आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन आपकी टेक्सट बाउंड्रीज एंड योर पेज मार्जिस बेटा इंडेंटेशन आपके थ्री टाइप्स के होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड हैंगिंग इंडेंट पॉजिटिव इंडेंट में बेटा ये होता है आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट कर देते हो मीन्स यू लीव द टेक्स्ट एरिया सम टेक्स्ट एरिया एंड देन यू राइट योर कंटेंट और नेगेटिव इंडेंट में बेटा क्या होता है आप बाउंड्रीज़ के बाहर ही चले जाते हो मींस आप अपने टेक्स्ट को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हो कि वो आपके मार्जिन के आउटवर्ड चला जाता है लिटिल बिट एंड हैंगिंग इंडेंट में बेटा जैसे कि आपने जैसे कुछ लिखा अब उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं तो आप उसको बुलेट्स के फॉर्म में लिखोगे न्यूमारिक फॉर्म में लिखोगे या अल्फ़ाबेटिक मैनर में लिखोगे तो वो आपके हैंगिंग इंडेंट्स में आते हैं बिकॉज वो एक वन बाय वन वो एक हैंग कर रहे हैं एक प्रोसीजर में ओके okay, बेटा बेटा कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉन्ट स्टाइल्स एंड साइजेस फॉन्ट में बेटा आप कौन सा आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हो ओके okay? ये बेटा आपके साइजेस हैं जैसे टेन पी लिखा है ट्वेल्व पी लिखा है ये आपके साइज़ होते हैं आपका टेक्स्ट कितने साइज़ का होगा ये डिफाइन करते हैं आपके ये सब अब जैसे टेन पी था तो आपके ए एंड ए आपके स्मॉल हैं ट्वेल्थ पी टी एस में बी एंड बी है अब ये थोड़ा सा डार्क क्यों आ रहा है बिकॉज इन्होंने इसको बोल्ड कर दिया इनका जो स्टाइल है ना वह बोर्ड डाल दिया इस वजह से वो बोर्ड फॉर्म में आ रहा है ओके okay, बेटा ये आपके एरियल ये एल्बर्टिस मीडियम बेल एम टी ये सब आपके क्या होते हैं ये फॉन्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉन्ट्स के नेम हैं अब आप देख रहे हो कि डी थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में आ रहा है थोड़ा सा कर्सिव फॉर्म में आ रहा है बिकॉज इसमें इन्होंने इटैलिक का स्टाइल दे दिया है डैट्स वाई एंड दीज आर द साइज़ टेन पी टी एस ट्वेल्व पी टी एस ट्वेंटी पी टी एस दीज आर दाइजेज ऑफ द टेक्स बेटे टेक्सट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये अपीयरेंस होते हैं आपके फॉन्ट के ये आपके आपके टैक्स को कंट्रोल करते हैं कि जिस तरीके से आपने उनको सेट किया है वो उसी हिसाब से आपको डिस्प्ले होंगे इसमें आपका इटैलिक बोल्ड मोनो स्पेस इस्ट्राइक थ्रू सब आता है स्ट्राइक थ्रू का मतलब बेटा ये होता है कि आपने अगर यहाँ पर लिखा लर्न बिग्न सो वॉट इट विल डू वो एक लाइन खींच देगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू ओके दिस इज़ द एग्जाम्पल गिवेन ओवर हीयर आप देख भी सकते हो इस वाली लास्ट लाइन में सेम एग्ज़ाम्पल आपका प्रजेंट है बेटा जो आपका टेक्स अलाइनमेंट होता है ये रेफर करता है आपके ले आउट ऑफ द पेज दैट मीन्स आपका जो भी अलाइनमेंट है वो मतलब कौन सी पोजिशन पर है जैसे कि आपने कुछ भी लिखा तो या वो राइट right साइड पे है एकदम या आपकी एकदम लेफ्ट साइड पे है या एकदम जस्टिफाई है जस्टिफाई मीन्स होता है आपकी जितनी भी लाइनें हैं वो सेम मैनर के अकॉर्डिंग हो मीन्स एकदम सेम आप सारी लाइनें लिखो दैट मीन्स दिस इज योर जस्टिफाई ओके आई आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा आपके अलाइनमेंट की टू कैटेगरीज होती हैं एक होता है आपका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट एंड एक आपका होता है वर्टिकल अलाइनमेंट ओके हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में आपके फोर फेजेस आती हैं पहला होता है आपका लेफ्ट फ्लश अलाइनमेंट राइट फ्लश अलाइनमेंट सेंट्रड अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट लेफ्ट फ्लश अलाइनमेंट में आपका क्या होता है आपके जितने भी चीज़ें हैं आपकी जितने भी टेक्स्ट हैं आपका जो भी कंटेंट है वो एकदम आपके लेफ्ट के थ्रू आएगा राइट right अलाइनमेंट में क्या होता है बेटा आपका सारा चीज़ राइट right के अकॉर्डिंग आएगा सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है बेटा आपका जितना भी टेक्स्ट है वो एकदम आपके पूरे डिस्प्ले के आपके पूरे लेआउट के एकदम बीचों बीच आएगा एकदम सेंटर में आएगा एंड जो आपका जस्टिफाइड होता है इसमें आप देख रहे हो बेटा सेम इतनी लाइन यहाँ तक है इधर भी उतनी ही लाइन में है ये आपका जस्टिफाइड होता है मीन्स जैसे कि आपकी न्यूज़पेपर में आप एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों के आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स देख सकते हो तो उसमें वो लोग हमेशा जस्टिफाइड लेते हैं बिकॉज इसमें आपका जितना भी टेक्स्ट होता है ना वो आपका अकॉर्डिंगली आता है लाइन टू लाइन उसी तरीके से बेटा आपका वर्टिकल अलाइनमेंट में भी होता है इसमें भी आपके फोर टाइप्स हैं टॉप है बॉटम है मिडल है एंड जस्टिफाइड है सेम एज़ इट इज़ एकदम इसी की तरह ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा लाइन स्पेसिंग क्या होती है लाइन स्पेसिंग जो होती है वो आपकी टोटल हाइट होती है आपके एक लाइन की टेक्स्ट की जो इंक्लूड करती है आपकी एक्स्ट्रा स्पेसिंग उसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल लाइन की स्पेसिंग है टेक्स्ट के बीच में सिर्फ सिंगल सिंगल लाइन की स्पेसिंग है इसमें आप देख सकते हो वन एंड हाफ लाइन की स्पेसिंग है और इसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है हर एक लेटर्स के बीच में तो यहाँ पे डबल स्पेसिंग है सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए आपका जो होता है पॉइंटर वो ट्वेल्व पी होना चाहिए वन एंड अ हाफ के लिए मीन्स वन पॉइंट फाइव लाइन्स के लिए आपका होना चाहिए एटीन पी का और डबल के लिए डबल मीन्स आपकी दो लाइन ओवरऑल टू लाइन्स तो इसके लिए आपका पॉइंटर होना चाहिए ट्वेंटी फोर का बेटा कमिंग टू द टॉपिक पेज ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा याद रखिएगा ओरिएंटेशन जो होता है वो आपका हमेशा रेफर करता है कि आप अपने टेक्स्ट को लेंथ वाइज प्रिंट कराना चाहते हो या विर्थ वाइज प्रिंट कराना चाहते हो अगर आप अपने टेक्स्ट को लेंथ वाइज प्रिंट कराना चाहते हो तो हम उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसमें आपका जो भी आपका जो भी आप प्रिंट करा रहे हो वो लेंथ वाइज प्रिंट हो रहा है दैट मीन्स ये आपका पोर्ट्रेट है एंड अगर आप चीज़ों को अपने टेक्स्ट को आप विर्थ वाइज अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो आप लैंड स्पेस पेज ओरिएंटेशन का यूज करते हो लैंड स्केप पेज ओरिएंटेशन में आपकी विर्थ आती है जैसे आप देख सकते हो ये आपकी विर्थ होती है हमेशा दिस एरिया इज नोन एज योर विर्थ एंड दिस इज योर लेंथ ओके बेटा कमिंग टू द टॉपिक हैडर एंड फूटर्स हैडर्स हैडर्स में क्या होता है आप अपने जो भी कंपनी का नेम है दैट मीन्स ये आपका हेडर में आएगा कंपनी का जो भी नाम है कंपनी किस किस आ, किस बेसिस पे काम कर रही है या किस चीज़ का काम करती है वो चीज़ आपका हेडर में आता है और कंपनी का क्या एड्रेस है कौन सी लोकेशन में है कौन सी सिटी पर है उसका पिन कोड क्या है उसमें कित मतलब उसमें उसके अकॉर्डिंगली मींस उसकी लोकेशन क्या है आप उसके लिए कहाँ पे पहुँच सकते हो लोकलाइजेशन कहाँ पर है उसके नियर अबाउट कोई स्कूल्स हैं कोई कॉलेजेस हैं तो वो चीज़ आप हमेशा बॉटम में देते हो दैट मीन्स योर फूटर्स हैडर्स में कंपनी का नेम कंपनी किस पर्पस के लिए है और बीच में आपका जो भी आप लोगों प्रिंट आउट कराना चाहते हो टॉप मार्जिन में या बॉटम मार्जिन में यू डू दैट एज पर योर अकॉर्डिंग्स ओके बेटर कमिंग कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग ये जो आपका टॉपिक है ये जो दो आपके ओवरऑल पेजेस हैं ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं बट मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में आप गो थ्रू कर लीजिएगा बट दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग आपको हमेशा आनी चाहिए जैसे कि आपका नेविगेटर ऑप्शनस है नेविगेटर का मतलब आप ख़ुद समझ रहे हो कहीं पे भी किसी लोकेशन पे आपको पहुंचाना तो उसका जो रास्ता है वो हम आपको बताएं कि आपको लाइफ लेफ़्ट मुड़ना है आपको राइट right जाना है आपको स्ट्रेट जाना है तो दैट इज़ नोन एज़ नेविगेशन कर्सर का मूवमेंट भी वही होता है आपको लेफ़्ट जाना है राइट right जाना है टॉप जाना है बैक जाना है तो दैट इज़ ऑल्सो योर कर्सर मूवमेंट ओनली स्क्रॉलिंग थ्रू माउस जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर स्क्रीन तो ये जो बगल में ये जो आपका आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार ठीक है बेटा ये आपका स्क्रॉल बार होता है यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे स्क्रॉल करोगे अप एंड डाउन तो आप ओवरऑल पेज देख सकते हो कि इस पर क्या क्या काम हुआ है इंसर्टिंग ओवर टाइपिंग इन डॉक्यूमेंट्स इंसर्टिंग मीन्स आप कोई भी अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है अपने टेक्स्ट में तो आप इंसर्ट कर सकते हो ओवर टाइपिंग मीन्स आप कुछ ज़्यादा ही ओवर टाइप कर रहे हो मीन्स आप एक लाइन है उसके अंदर आप बहुत सारी कहानी स्टोरीज़ बनाते जा रहे हो तो आप ओवर टाइप कर रहे हो ओके okay, बेटा बेटा टैक्स्ट सेलेक्शन में क्या होता है यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप टेल आप जो है टैक्स्ट को सेलेक्ट करके कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कट कर, कर सकते हो अपने राइटर में जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें क्या होगा आप गूगल से कोई भी चीज़ तो बेटा जैसे कि प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो तो आपने गूगल से कंटेंट लिया आप उसको अपने वर्ड पे आप उसको कॉपी कर रहे हो पेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए इजी हो जाता है ब्लॉक ऑपरेशंस परफॉर्म करना सेलेक्टिंग टेक्सट ब्लॉकिंग मार्किंग इसमें आप इजीली कोई भी शॉर्टकट की का यूज़ करके अप एंड डाउन सिंगल लाइन पैराग्राफ बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ ये सब आप चीज़ें कर सकते हो दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट सो आई एम स्किपिंग इट अप फाइंड एंड रिप्लेस टैक्स बेटा ये आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई भी चीज़ लिखी अब आपको कहीं पे आपको डाउट आ रहा है कि दैट वर्ड आपको मेंशन नहीं करना था अपने पैराग्राफ में तो आपने क्या किया आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में जाओगे आपको जो भी आपको जो भी टेक्स्ट है उसको आपको रिप्लेस करना है जैसे आपको रिप्लेस करना है कंपेयर तो आप क्या करोगे कंपेयर डालोगे सर्च लिस्ट में वहाँ पे वो आपको वो सर्च करेगा दैन आपको एक रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन देगा वो तब आप उसको वहाँ पे जा के रिप्लेस कर सकते हो तो आपका कंपेयर जो है वो आपके पैराग्राफ से रिमूव हो जाएगा एंड उसकी जगह आप न्यू टेक्स्ट जो भी एंटर करना चाहते हो यू कैन एंटर इट बेटा जैसे मैंने आपको बताया आप पहले एडिट ऑप्शन में जाओगे ठीक है फिर उसके बाद आप फाइंड एंड रिप्लेस में जाओगे आपको जो भी आप सर्च बॉक्स पे क्लिक करोगे आपको जो भी एंटर आपका जो भी टेक्स्ट है आपको सर्च करना है आप उसको डालोगे और फिर आप फाइंड बटन पे क्लिक लगा, क्लिक कर दोगे तो इससे क्या होगा आपका जो भी टेक्स्ट है आप जिसको फाइंड करना चाहते हो रिप्लेस करना चाहते हो तो वो ईज़िल आपको मिल जाएगा पूरे पैराग्राफ में एंटायर पैराग्राफ आपका कवर हो जाएगा सर देखो रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट कैसे हो रहा है आप एडिट मेन्यू में गए आप फाइंड एंड रिप्लेस में गए ये आपका सर्च बार है आपने इसमें आपका जो भी टेक्स्ट है आपने सर्च किया आपने उसको फाइंड पे लगा दिया उसने फ़ाइंड किया फिर आपको किससे रिप्लेस करना है तो आपने सर्च की जगह यहाँ पे सर्चिंग मेंशन कर दिया अब वो आपको आप रिप्लेस का बटन क्लिक करोगे एंड उसके बाद जो आपका जो आपकी मैचिंग केसेस हैं आपका जो वर्ड है वो आपका सर्च की जगह सर्चिंग रिप्लेस हो जाएगा एंड वो कंटेंट विल बी एज़ परफेक्ट एज़ यू वॉन्ट और अगर आप ये प्रोग्रेस को कैंसिल करना चाहते हो देन ईजली प्रेस ई एस सी की सो दैट योर प्रोसेस विल एस्केप डाउन ओके बेटा बेटा इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर में क्या है कि जैसे कि आपको स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है जैसे आपको पाई पाई की वैल्यू आपको पता है थ्री पॉइंट वन फोर होती है डेसिमल के फॉर्म में एंड ट्वेंटी टू बाई सेवन आपकी होती है पाई की वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में ओके okay, तो आपको जैसे स्पेशल कैरेक्टर ऐड करने हैं तो आप यूज़ करोगे menu. इंसर्ट मेन्यू इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन चूज़ करोगे वो आपको एक डिज़ायर्ड फॉन्ट या करेक्टर के पास ले जाएगा आप उसको अपने डायलॉग बॉक्स से आप यूज़ कर सकते हो जैसे इतने सारे आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं आपको परसेंटाइल लगाना है आपको एंड लगाना है आपको नाइन क्लिक करना है आपको के लगाना है पाई लगाना है एम लगाना है लेफ्ट राइट जो भी आपको लगाना है इज इक्वल्स टू आप लगाओ अपना डिज़ायर्ड आपको जो भी करेक्टर आप सेलेक्ट करो एंड देन क्लिक ओके डोंट फॉरगेट टू क्लिक ओके जस्ट क्लिक ओके एंड आपके स्पेशल कैरेक्टर्स आपके जो भी आपका कंटेंट है उसमें अप्लाई हो जाएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मैं नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और प्लीज़ लाइक माई वीडियो सो so दैट मैं आपको और अच्छे से सारे वीडियोस बना के दूँ आपकी पूरी आईटी की बुक जो हूँ वो कवर कर दूँ थैंक यू सो मच